नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है। मैं सुबह से काफ़ी बार लाइव आने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा था लाइव। बार बार एक ही बात कह रहा था, नॉट अनेबल टू लाइव एट दिस मोमेंट। तो बहुत बार कोशिश की, लाइव नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब लास्ट में लाइव आ गया है, तो चलो आपसे बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये हम सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही विशेष बात है, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों, हमारे दोस्तों के लिए बेहद ही ज़रूरी बात है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, तो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 22 मार्च को कौन सी एक गलती बिल्कुल भी ना करें। एक ऐसी गलती जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है 22 मार्च को, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी की चपेट में है। लगभग 5 महीने पहले चीन से शुरू होने के बाद आज इस कोरोना ने धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। चीन में लगभग 3,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इटली में भी यही कहानी है, 3,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना के कारण डेथ भी हो चुकी है। और इसी तरह इस महामारी के कारण पूरे विश्व में लगभग 9,000 से ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब भारत में भी हम इस बीमारी की थर्ड स्टेज से गुजर रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि थर्ड स्टेज ही सबसे खतरनाक स्टेज है। इस स्टेज में ही कोरोना सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए 22 मार्च को मोदी जी ने पूरे देश को अपने घरों में रहने के लिए कहा है। चलो अब बात करते हैं कि 22 मार्च को क्या क्या होगा। दोस्तों, अगर बात करें तो हम सब चाहते हैं कि हमें काम से छुट्टी मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। अब 22 मार्च को हम सब घरों में ही रुकेंगे, हम सब अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, और कुछ लोग इस दिन अपनी नींद पूरी करेंगे, कुछ अपने अकॉर्डिंग गाने सुनेंगे, कुछ बैठ के मूवी देखेंगे, और लगभग ज़्यादातर लोग 22 मार्च को अपना टाइम पास ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 22 मार्च को क्या करें और क्या गलती ना करें। दोस्तों, मोदी जी के कहे अनुसार 22 मार्च को अपने घरों में ही रहें, और लेकिन एक बड़ी बात है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपने सही सुना, इस दिन अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और एक बहुत ज़रूरी काम जिसके लिए आपको टाइम नहीं मिल पाता वो ज़रूर करें। दोस्तों, आपने दो पुस्तकों के नाम सुने होंगे, जीने की राह और ज्ञान गंगा। जी हाँ, दो पुस्तकें, जीने की राह और ज्ञान गंगा। ये पुस्तकें लगभग 10 करोड़ घरों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन जिनको ये पुस्तकें दी गई हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये पुस्तकें पढ़ी, तो काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि नहीं पढ़ पाया, टाइम नहीं मिला। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई टाइम नहीं मिला, या कुछ लोग बोलते हैं कि टाइम कम मिलता है इसलिए कुछ ही पेज पढ़ पाया हूँ। तो दोस्तों, अब चाहे कुछ भी कहो, लेकिन 22 मार्च को आपको पूरा दिन मिलने वाला है। जी हाँ, 22 मार्च को आपको पूरा दिन मिलने वाला है, तो इस दिन को बिल्कुल भी वेस्ट करने की गलती ना करें। हो सकता है आप इस बुक के विरोधी भी हों, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि इस पुस्तक को पूरा पढ़ डालो। 22 मार्च को इस पुस्तक को पूरा पढ़ डालो, और इस बुक की गलतियाँ और कमियाँ निकालने के लिए पूरा पढ़ डालो। बेशक इन पुस्तकों की गलतियां निकाल दो, फिर जिन्होंने आपको पुस्तक दिया, अगर आपको कोई गलती मिलती है तो उन्हें गलती ही बता दो, भाई ये गलती है आपकी इस पुस्तक में। अब आपको इन पुस्तक की एक खासियत बता देता हूं, इन पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते लोगों के उजड़े घर तक बस गए। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन लाखों लोग जिनके घर में सुबह शाम पति पत्नी का झगड़ा रहता था, आज इन पुस्तकों को पढ़कर वो आज प्यार से रहते हैं।
और इन पुस्तकों का धन्यवाद करते हैं। लाखों लोग जिनको कैंसर इस तरह की अन्य किसी भयंकर बीमारी ने जकड़ रखा था, उनकी वो बीमारी तक ठीक हो गई। ऐसे लोगों के इंटरव्यू अगर आपको देखने हो तो YouTube पर भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आपसे बस इतना ही अनुरोध करना था कि 22 मार्च के दिन को बिल्कुल भी वेश जाने देने की गलती ना करना और एक बार इन पुस्तकों को पढ़कर जरूर देखना कि आखिर इनमें ऐसा है क्या जिससे लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल जाने की गारंटी देते हैं। और पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, आप छोड़ देना, पर एक बार इनको जरूर पढ़ना क्योंकि ऐसा फ्री टाइम जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो आज ही अपने नज़दीकी लोगों से मंगवा लो या 9992600893, दोबारा बता देता हूँ, 9992600893, इन नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सएप करो और ये पुस्तकें आपके घर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी। और आपसे प्रार्थना है कि 22 मार्च को टाइम वेस्ट करने की गलती बिल्कुल ना करना और संत रामपाल जी द्वारा लिखित ये पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह जरूर पढ़ना और मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य को जरूर समझने की कोशिश करना। कबीर साहब ने भी कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे भौर ना लगता डार। आपसे यही गुजारिश करनी थी दोस्तों। मैं आपको बुक एक बार दिखा देता हूँ, जीने की राह बुक जो है वो, ये जीने की राह बुक है, ये बुक है जीने की राह, आप इसको देख लो, इसको जरूर पढ़ना, बहुत ज़रूरी बुक है, जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये बात सही और अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को 22 मार्च से पहले ज़रूर शेयर कर देना। और इससे ज़्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप supremegod.org पर विजिट करके इन पुस्तकों को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको सबसे बड़ी बात इस जीने की राह बुक के बारे में बता देता हूँ कि इसको, ये विश्व की पहली एक ऐसी बुक थी जिसको शायद 10 दिन के अंदर 50 लाख लोगों ने फ्री डाउनलोड किया था, पहली ऐसी बुक है ये। तो दोस्तों, यही आपसे बात करनी थी कि 22 मार्च के दिन ये बिल्कुल गलती मत करना कि आप टाइम वेस्ट कर दो, टाइम पास करके सारा दिन वेस्ट कर दो। अब लाइफ में टाइम मिला है, फ्री टाइम मिला है, आप फिर ये बहाना नहीं लगा पाओगे कि मुझे टाइम नहीं मिला। 22 मार्च को आप बिल्कुल फ्री रहने वाले हो, अपनी परिवार के साथ बैठो और इस पुस्तक को पढ़ डालो, जीने की राह और ज्ञान गंगा। ठीक है दोस्तों, आप सबसे यही बात करनी थी। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे वीडियो कमेंट्स में शेयर करना कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी, ज़रूर बताने की कोशिश करना। और साथ ही साथ आपको इसकी एक और गारंटी दे देता हूँ कि जब कैंसर, एड्स जैसी बीमारियाँ इस पुस्तक को पढ़ने से ठीक हो सकती हैं तो फिर समझदार को इशारा काफ़ी है कि इस पुस्तक की शक्ति क्या है, इस पुस्तक में क्या पावर है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपके साथ यही शेयर करना था। इस पुस्तक को पढ़ना, 22 मार्च को टाइम वेस्ट करने की गलती बिल्कुल मत करना। आप PDF, यहाँ पर कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, नीलेश भाई हैं, PDF बुक्स भी पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल में डाउनलोड करके। बिल्कुल नीलेश भाई ने सही कहा, आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं PDF में और पुस्तक को, बुक को आप मोबाइल में रख सकते हैं, जैसे टाइम मिले तभी पढ़ लें। और चलिए दोस्तों, ठीक है, आपके साथ यही बात शेयर करनी थी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।